अहम खबर आपको दी, चेयरमैन पैमरा की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया गया है। अहम खबर है, चेयरमैन पैमरा की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया गया है। तायनाती का यह नोटिफिकेशन था जिसे कलदम करार दे दिया गया है। चेयरमैन पैमरा की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया गया है। अहम खबर आपको दें, चेयरमैन पैमरा की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दिया है। आपको अहम खबर दे दे चले, चेयरमैन पैमरा की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दिया है। तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने अफसार आलम की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया है। अहम खबर है, आपको बताएं कि चेयरमैन पैमरा की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने अफसार आलम की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया है। अहम खबर है, नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया गया है। चेयरमैन पैमरा की तायनाती का यह नोटिफिकेशन जिसे कलदम करार दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने अफसार आलम की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने महफूज किया गया फैसला सुनाया है। फैसले को महफूज किया गया था जो सुना दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने अफसार आलम की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया है। चेयरमैन पैमरा की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया गया। फैसला महफूज किया गया था। जस्टिस शाहिद करीम ने महफूज फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया कि अफसार आलम की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम है, कलदम करार दे दिया गया इस नोटिफिकेशन को। जस्टिस शाहिद करीम ने महफूज फैसला सुना दिया है। चेयरमैन पैमरा की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया गया है। आपको अहम खबर दें, लाहौर हाईकोर्ट ने अफसार आलम की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने तायनाती को चैलेंज किया गया था, उन्होंने चैलेंज किया था और इस फैसले को महफूज किया गया था। जिससे शाहिद करीम ने फैसले को सुनाया है, इस महफूज फैसले को सुना दिया गया। और आपको यह भी बता दे चले कि अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने तायनाती को चैलेंज किया था। चेयरमैन पैमरा की तायनाती जिसका नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने अफसार आलम की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया है। जिससे शाहिद करीम ने महफूज फैसला सुनाया है, जबकि अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने तायनाती को चैलेंज किया था। चेयरमैन पैमरा की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने अफसार आलम की तायनाती का यह नोटिफिकेशन कलदम करार दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने फैसला महफूज सुना दिया है और दूसरी जानब अजहर सिद्दीक ने, एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने तायनाती को चैलेंज किया था और महफूज फैसला सुना दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने महफूज फैसला सुनाया है। आपको अहम खबर देते चले, चेयरमैन पैमरा की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने अफसार आलम की तायनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने महफूज फैसला सुनाया है, जबकि अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने तायनाती को चैलेंज किया था। मजीद तफसीलात क्या हैं, मुनीर बाजवा से जानते हैं। मुनीर बाजवा बताएगा, नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया गया। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पैमरा की तायनाती को कालदम करार देते हुए उनकी तायनाती का जारी किया गया नोटिफिकेशन जो है वो कालदम करार दे दिया। और अदालत ने हुक्म दिया है कि कानून के मुताबिक नए चेयरमैन पैमरा की तायनाती जो है वो 30 रोज में की जाए। मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम ने मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर 29 नवंबर को केस पर फैसला महफूज किया था। इस दरख्वास्त में जो एडवोकेट अजहर सिद्दीक, उन्होंने चेयरमैन पैमरा की तायनाती को चैलेंज किया था और चेयरमैन पैमरा के वकील की जानब से ये दरख्वास्त जारी की गई थी कि चेयरमैन पैमरा जो है वो उनकी तायनाती जो है वो कानून के मुताबिक की गई है और उनको उनकी इश्तहार जो उनकी काबिलियत के हवाले से जो वफाकी गवर्नमेंट की जानब से इश्तहार जारी किया गया वो भी कानून के मुताबिक है। उन्होंने चेयरमैन पैमरा की तायनाती के हवाले से रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत तलब की थी, लेकिन अदालत ने बरमी का इजहार करते हुए करा दिया था कि 1.5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद केस जो है वो अदालत में जेर समाअत है, इसके बावजूद चेयरमैन पैमरा की तायनाती का रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं किया जा रहा। इस पर अदालत ने इनकी इस्तदा जो है मुस्तरद कर दी थी, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौका अख्तियार किया था कि चेयरमैन पैमरा को अफसार आलम को तायनात करने के लिए वफाकी हुकूमत ने जो चेयरमैन पैमरा की तायनाती का इश्तहार जो है उनके जारी किया था उसमें तलीमी काबिलियत जो है वो बीए रखी गई थी, जबकि इस अहम अहदे के लिए कम अज कम तलीमी काबिलियत जो है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने, हुकूमत पाकिस्तान ने इसको चेयरमैन पैमरा अफसार आलम को फैसिलिटेट करने के लिए इस इश्तहार में नरमी पैदा किया और इनको भारी तनख्वाह भी दी जा रही है, लिहाजा चेयरमैन पैमरा की तायनाती का नोटिफिकेशन जो है वो कालदम किया जाए। अदालत
ने 29 नवंबर को इस केस का फैसला महफूज किया था। तमाम आज अदालत ने इस केस का फैसला सुनाते हुए चेयरमैन कैमरा अफसार आलम की तैनाती को कालाबंद करार दे दिया और उनके तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो भी मुअत्तल खत्म कर दिया है। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि 30 रोज में नए चेयरमैन कैमरा की तैनाती का हुक्म दिया जाए। अच्छा, ये भी बताएगा कि तहरीरी तौर पर यह फैसला सामने आ गया? जी बिल्कुल, अभी तहरीरी तौर पर फैसला ये सामने नहीं आया। तमाम अदालत में ये फैसला पढ़कर अदालत में सुनाया गया है 10:30 बजे के करीब, और जिसमें उन्होंने अदालत ने ये हुक्म दिया है कि चेयरमैन पैमरा की तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो कालाबंद कर दिया गया है और उनकी तैनाती जो है इस अहम अहदे के लिए जो नए चेयरमैन पैमरा की तैनाती है वो 30 रोज में की जाए। ठीक है, एक बार फिर बताएगा कि दरख्वास्त गुजार ने क्या मौकफ इख्तियार किया इस पर चैलेंज करते हुए? जी बिल्कुल, दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में यह मौका अख्तियार किया था कि अफसार आलम को चेयरमैन पैमरा तैनात करने के लिए 2 मरतबा अखबार इश्तहार जारी किया गया था। पहले इश्तहार के मुताबिक अफसार आलम जो है वो चेयरमैन पैमरा के अहदे के लिए तालीमी मैार पर पूरा नहीं उतरते थे। अफसार आलम को तैनात करने के लिए दोबारा कम तालीमी काबिलियत का इश्तहार जारी किया गया, लिहाजा और उनको भारी तनखा जो है वो भी दी जा रही है। लिहाजा चेयरमैन पैमरा अफसार आलम की तैनाती जो है वो कालाबंद की जाए, जबकि दूसरी तरफ उनके जो वकील हैं चेयरमैन कैमरा के वकील ने मौका अख्तियार किया था कि चेयरमैन कैमरा को वफाकी हुकूमत ने बिल्कुल मायार के मुताबिक तैनात किया है, उसकी उनकी तैनाती के दौरान कोई गैर कानूनी कार्रवाई गैर कानूनी इकदाम जो है वो नहीं उठाया गया, जबकि वो अपनी तनख्वाह को जो तनख्वाह दी जा रही है वो अपनी तनख्वाह से भारी टैक्स जो है वो भी अदा कर रहे हैं। लिहाजा चेयरमैन कैमरा की तैनाती जो है के खिलाफ दायर दरख्वास्त जो है उसे खारिज किया जाए। आम अदालत ने चेयरमैन कैमरा की तैनाती के हवाले से रिकॉर्ड जो है वो तलब किया था, लेकिन कैमरा की जानब से इनके चेयरमैन कैमरा अफसार आलम की तैनाती के हवाले से उनके रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं किया था। जिस पर अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि 1.5 साल का अर्सा हो चुका है इस केस की समाप्त होते हुए, मगर अब तक इनकी जानब से जो रिकॉर्ड है उनकी तैनाती का वो ताहाल नहीं पेश किया गया, जिस पर अदालत ने उनकी सदा मुस्तद की थी और फैसला जो है वो महफूज कर लिया था। चेयरमैन कैमरा की तैनाती का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया मुनीर, आप अपडेट कर रहे थे।